कश्मीर उत्तर प्रदेश के 4 दिन के दौरे पर है। आज उनके दौरे का आखिरी दिन है, साथ ही साथ रामायण कॉन्क्लेव का शुभारंभ भी करेंगे। ये रामायण कॉन्क्लेव आज से शुरू होकर 1 नवंबर तक चलेगा और ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में होगा। झांसी में भी होगा, गोरखपुर में होगा, वाराणसी में होगा, बिठूर में होगा, तमाम सारे शहरों में ये कॉन्क्लेव कराया जाएगा, जिसमें जो विद्वत जन है वो रामायण के तमाम जो प्रसंग है उस पर चर्चा करेंगे, रामकथावाचक जो है वो चर्चा करेंगे। और आज इस कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसी रामकथा पार्क में करेंगे। मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगी और यहीं 42 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे तक का उनका जो वक्त है वो हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के लिए रिजर्व है। यहीं से वो उनकी जो फ्लीट है, जो उनका कॉन्वॉय है, वो सड़क मार्ग से नया घाट होते हुए सीधे हनुमानगढ़ी जाएगा। वहाँ पर जो हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं वो विशेष आरती आज वहाँ कराएंगे हनुमानगढ़ी में, और उसके बाद वो रामलला के भी दर्शन करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज़ाद भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो रामलला का दर्शन करने के लिए जाएंगे। इससे पहले हालांकि पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी अयोध्या आए हैं, उन्होंने लेकिन तब हनुमानगढ़ी पर ही दर्शन किया था। और आज रामनाथ कोविंद जब दर्शन कर लेंगे उसके बाद वापस प्रेसिडेंशियल ट्रेन से ही वो लखनऊ जाएंगे और लखनऊ से फिर वायुयान से सीधे वो दिल्ली चले जाएंगे। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, अयोध्या। और इस वक्त अनुभव शुक्ला ही हमारे साथ लाइव भी जुड़ रहे हैं, सीधा उनके पास आपको लिए चलते हैं। अनुभव, रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुके हैं राष्ट्रपति, और जो रामायण कॉन्क्लेव का उन्हें शुभारंभ करना है तो कार्यक्रम स्थल तक कितनी देर में पहुंच जाएंगे, क्या ताजा अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल 10 मिनट के भीतर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो यहाँ पहुंच जाएंगे रामकथा पार्क। हम आपको सीधे अगर तस्वीरें दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि ये यहीं पर मंच लगाया गया है, ये रामकथा पार्क है। और जब भी हम कहें तो दीपोत्सव कार्यक्रम होता है यहाँ पर, विशेष कार्यक्रम होते हैं, और आज राष्ट्रपति भी यहीं पर ये जो रामायण कॉन्क्लेव होगा जो आज से शुरू होकर 1 नवंबर तक चलेगा उसका शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही साथ आज अयोध्या को सौगात मिलेगी, 42 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे, लोकार्पण शिलान्यास होगा, अयोध्या में नया बस अड्डा बनाया गया है उसका उद्घाटन होगा, इसके अलावा जो तुलसी भवन है उसके अत्याधुनिकीकरण के लिए भी पैसा जो है वो लोकार्पण होगा, उसका तकरीबन 15 करोड़ का बजट है। आपको हम अगर तस्वीर दिखाएं, देखिए तमाम सारे लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, विशेष पास सबको इशू किया गया है इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि बहुत हम कहें तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा है, सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं, और जिसके पास पास नहीं है उसे एंट्री बिल्कुल नहीं दी जा रही है। केवल पास ही महत्वपूर्ण नहीं है, आपको उसके साथ अपना आधार कार्ड भी दिखाना है, आधार कार्ड और पास के बिना यहाँ एंट्री नहीं है। और अब यहाँ पर हमें जो हलचल है काफ़ी तेज़ होती दिख रही है, क्योंकि जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, दोनों लोग पहुँच गए हैं। जो विधायक हैं जो अयोध्या से आते हैं, चाहे हम कहें वो चाहे बाबा गोरखनाथ हो, चाहे फिर हब्बू तिवारी हो, हमें तमाम सारे जो विधायक हैं जो अयोध्या से आते हैं वो भी हमें दिखाई दे रहे हैं। जो गैलरी उधर बनाई गई है, साधु संत भी तमाम सारे हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और अब एक अनाउंसमेंट हुई है कि सभी लोग जो मूवमेंट हैं उसको फिलहाल बंद कर दें और अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाए, क्योंकि थोड़ी देर में राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। मुख्यमंत्री तकरीबन 1 घंटा पहले ही यहाँ पहुँच गए थे, उन्होंने सारी तैयारियों को देखा, आखिरी दौर की तैयारियों को, और उसके बाद यहाँ से प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए वो जो अयोध्या स्टेशन है जहाँ राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल ट्रेन से पहुँचे हैं वहाँ उनका स्वागत किया है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया, और वहाँ से वो जो कॉन्वॉय है वो कहा जा रहा है कि बस यही रामकथा पार्क यानी जो नया घाट का चौराहा है वहाँ जो रामकथा पार्क है वहाँ बस पहुँचने ही वाला है, और इसके बाद कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएगा। तकरीबन 1.25 घंटे का ये कार्यक्रम है, 1.25 घंटे का जब ये कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद राष्ट्रपति यहाँ से जाएंगे, थोड़ी देर का ब्रेक है, और फिर उसके बाद वो पहुँचेंगे हनुमानगढ़ी जहाँ विशेष तौर पर आज पूजा जो है वो रखी गई है, विशेष आरती होगी जब राष्ट्रपति वहाँ पहुँचेंगे। इसके अलावा हनुमानगढ़ी पर आरती जब हो जाएगी, दर्शन पूजन हो जाएगा, तो फिर वो हनुमानगढ़ी से सीधे रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, तो अनुभव आपने विस्तार से बताया कि यहाँ तकरीबन 1.25 घंटे का कार्यक्रम है और उसके बाद राष्ट्रपति हनुमानगढ़ी आरती के लिए जाएंगे, खासतौर पर आज वहाँ आरती रखी गई है, राष्ट्रपति पहुँचने वाले हैं।
और इस वक्त यदि समय के अनुसार थोड़ा अंदाजा यदि लगाया जाए तो तकरीबन कितने मिनट बाद राष्ट्रपति उनका काफिला यहां पर पहुंच जाएगा अनुभव? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम आपको इस तरफ मंच की तरफ तस्वीर दिखाएं तो आप देखिए जो सुरक्षा के लोग हैं वो फिलहाल सारी चीज़ों को फाइनली चेक कर रहे हैं और अब मूवमेंट को पूरी तरह से रोक दिया गया है, क्योंकि अभी ये जो गेट था यहाँ से एंट्री हो रही थी पर अब इसे यहाँ पर रोक दिया गया है पुलिस के लोगों ने। अब जिसको भी एंट्री मिलनी थी वो लोग फिलहाल अंदर बैठ चुके हैं और लगातार जो मंच बनाया गया है वहाँ से अनाउंसमेंट हमें सुनाई दे रही है कि सभी लोग चहलकदमी को रोक दें, सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाएं, क्योंकि जब प्रेसिडेंट का प्रोटोकॉल होता है तो वो बिल्कुल अलग तरह का होता है, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए और इसी इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर जो अगर हम कहें तो हैं प्रशासन के लोग वो अब इसे सुनिश्चित कराने में लगे हुए हैं कि कहीं पर किसी भी तरह का कोई मूवमेंट ना हो फिलहाल। और कहा जा रहा है कि 5 से 7 मिनट के भीतर प्रेसिडेंट का जो काफिला है वो यहाँ पर पहुँच जाएगा और उसके तुरंत बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी। और अगर आप देखिए तस्वीर देखिए तमाम सारे लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं, ये रामकथा पार्क है और यहाँ पर जो भी लोग आए हैं वो हमने जिससे भी बात की उसका ये सबका यही कहना है कि भाई अयोध्या में राष्ट्रपति आए हैं और ऐसे में इस कार्यक्रम में शामिल होना उनके लिए भी गर्व की बात है। देखिए आज़ाद भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति रहते रामलला के दर्शन करने जाएंगे और जिस तरीके का अगर हम कहें व्यवस्था वहाँ पर की गई है, हनुमानगढ़ी में विशेष आरती होगी, राम जन्मभूमि स्थल पर वहाँ पर भी विशेष पूजा अर्चना वो करेंगे, तो कहीं ना कहीं अयोध्या के लोग काफ़ी खुश हैं क्योंकि प्रेसिडेंट आ रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं, भारत के प्रथम नागरिक उनके शहर में आ रहे हैं, तो ऐसे में अयोध्या भी खासी उत्साहित है। हालाँकि पूरी अयोध्या को हम कहें तो छावनी में तब्दील कर दिया गया है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम है और व्यवस्था ऐसी की गई है कि कहीं पर कोई परिंदा पर ना मार सके जो भी एंट्री। बिल्कुल पूरी व्यवस्था के इंतजाम चाक चौबंद है और कार्यक्रम स्थल पर लोग इंतजार कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर लोग यहां पहुंचे हैं और 1.25 घंटे तक के कार्यक्रम चलने वाले।